हेलो स्टूडेंट्स वेलकम अगेन टू लर्न लनविमन तो आप लोगों के लिए दो न्यूज हैं जो कि रीड से संबंधित हैं जो बच्चे राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो न्यूज क्या है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक आपको अच्छे से देखना है और एक एक पॉइंट को समझना है तो वो दो बातें कौन सी रहेंगी चलिए देख लेते हैं ये दिनांक पांच फरवरी दो की ये न्यूज है और सभी बच्चों को ये देखनी जरूरी है देखिए यहाँ पर क्या है कि रीट 2021 के आवेदन प्राप्ति की तिथि जो है वो 19 फरवरी तक बढ़ाई जाती है और ये क्यों बढ़ाई जाती है तो इसका कारण जो है वो नीचे बिल्कुल स्पष्ट है अभ्यर्थी 19 फरवरी तक ऑनलाइन शुल्क जमा करा सकेंगे और ऑनलाइन आवेदन पत्र 20 फरवरी तक भर सकेंगे ठीक है चलिए देखते हैं नंबर वन देखिए जो बच्चे चार फरवरी दो तक फीस जमा करा चुके हैं उन बच्चों को 8 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर देना है ठीक है तो उन लोगों को फॉर्म भर देना है क्योंकि अभी भी बहुत बच्चों ने फॉर्म नहीं फिल करे हैं जिन्होंने 4 फरवरी तक फीस जमा करा दी है उनको 8 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन भर देना है और जो दूसरी जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है जो बी वाले हैं या जो डी वाले हैं उनको भी लेवल वन में शामिल कर लिया गया है तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है इन बच्चों के लिए 9 फरवरी से 19 फरवरी तक ये लोग आवेदन कर सकते हैं ठीक है तो 8 फरवरी तक तो आपने जो पहले विज्ञप्ति जारी हुई थी उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म भरना था लेकिन अब जब लेवल 1 में बीएड वालों को शामिल कर लिया गया है तो आपको 9 फरवरी से 19 फरवरी तक आवेदन करना है जिन बी एड योग्यताधारी अभ्यर्थियों द्वारा लेवल टू के लिए आवेदन किया जा चुका है जिन्होंने पहले कर चुके हैं तो ऐसे अभ्यर्थी शुल्क की जो अंतर राशि है दो सौ रुपए ठीक है तो जिन लोगों ने लेवल टू का पहले फॉर्म भर दिया था तो उनको दो सौ और जमा कराकर अपना पंजीकरण लेवल वन के लिए भी कर देना है ठीक है तो यहाँ राशि कितनी देनी है आपको दो सौ रुपए और देनी है और आपका लेवल वन का फॉर्म भर जाएगा तो आपको डेट याद रखनी है नौ फरवरी से उन्नीस फरवरी तक आवेदन से वंचित रहे सभी अभ्यर्थी 9 फरवरी से 20 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं सभी को सूचित किया जाता है कि आवेदन की तिथि इसके बाद नहीं बढ़ाई जाएगी तो आपको तो 19 फरवरी तक अपना कार्य जो है वो पूरा कर लेना है फॉर्म जो है वो भर लेना है उपरोक्त तो सभी आवेदनकर्ता आवेदन में रही त्रुटियों में आंशिक संशोधन दिनांक 22 फरवरी से 25 फरवरी तक ऑनलाइन कर सकते हैं अब कई बच्चों के कमेंट हैं कि उन्होंने फॉर्म भरते वक्त कुछ गलतियां की हैं तो यहाँ उनके लिए भी ये न्यूज है कि वो अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं बाईस से पच्चीस फरवरी तक ठीक है तो एक चीज आपको क्या याद रखनी है कि यदि आपने चार फरवरी को फीस जमा करा दी है तो वो बच्चे आठ फरवरी तक फॉर्म भर दें उसके बाद जिन बच्चों ने बीएड के बच्चों ने सेकंड लेवल का फॉर्म डाला हुआ है तो उनको लेवल वन का यदि डालना है तो नौ फरवरी से उन्नीस फरवरी तक उनको आवेदन करना है नेक्स्ट जो लाइन है कि आपको यदि आपके फॉर्म में करेक्शन कराना है तो आप 22 फरवरी से 25 फरवरी तक ऑनलाइन कर सकते हैं ठीक है तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात थी जो आपके लिए जरूरी थी तो इसी तरीके से करते रहिए तैयारी रीट की मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू